में और जापानियों के बीच में भी कि भाई अब हमें शायद भूल गया है मोदी जी, चीन पर ज़्यादा डोल डाल रहे हैं। इसका ये कारण है कि जैसे मोदी जी सत्ता में आए, सब चाइनीज विदेश मंत्री यहाँ आए, हमारे आर्मी चीफ गए वहाँ रिटायर करने के पहले, उसके बाद एक बड़ी फजूल चीज़ में हमारे ख्याल से, मैं कहूँगा आप टेलीविजन पर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए वहाँ पंचशील की 60वीं वर्षगांठ, अरे पंचशील का वक्त 1962 में ख़त्म हो गया, वो संभव वो जो संधि थी, और उसके बाद उन्होंने आक्रमण किया, उसका भी कौन सा त्यौहार मनाएंगे आप उसके बारे, क्या जरूरत थी किसी को भेजने के लिए। तो ये ना हो कि भाई ये अच्छा जापान का जो पहले मोदी जी को जाना था सितंबर में, सितंबर के पहले हफ्ते में तैयारियां करते थे उसके, अगर उसे पोस्टपोन करना था तो कम से कम उन्हें हमारे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी को बता देना जापान को कि साहब हम इसे पोस्टपोन करना चाहते हैं, ये कारण है कि हम नए तारीख में आपके लिए सुविधा होगी कि नहीं, नए तारीख देना चाहते हैं 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, ये सुविधा है कि नहीं आपको इसकी। इस तब कोई भी जो होगा मेज़बान होस्ट वो हमेशा सोचेगा कि ये बेचारे नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तारीख को आ सकते थे आएंगे, वो गलती कि हमने दूसरी तारीख नहीं दी उन्हें। तो ये सब ज़रा उनको सोच करके करना पड़ेगा, और अपनी शक्ति साउथ ईस्ट एशिया में एक और बात बताऊंगा आपको जो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। वियतनाम के हनोई में डिप्लोमेटिक एकेडमी है एक, उसके जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे अखबारों में समाचार पत्रों में लिखा था ये 2 महीने पहले, मई महीने में, उसके अध्यक्ष ने जबकि एंटी चाइनीज़ विरोधी रायट्स वहाँ हो रहे थे हनोई में वियतनाम में, उस वक्त उन्होंने एक बयान दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया भारत जल्दी उभरे, क्योंकि वो उनका उभरना बड़ा आवश्यक है हमारे दक्षिण हमारे क्षेत्र के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी उभरे। अब ये हमारे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, यानी भारत को वो मानते हैं कि एक वो बड़ा आवश्यक शक्ति हो सकता है, तो इस पर हम लोगों को बैलेंस करने में हम डरे नहीं। आप सबके साथ चाइना के साथ कॉन्टैक्ट रखिए आप, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी शक्ति है, कॉन्टैक्ट रखिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल उनको बहिष्कार कीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, कॉन्टैक्ट रखिए। क्या आप सर मानते हैं कि जो हमारे जो रिलेशंस हैं, हमें 2 तरह से रिलेशंस को देखने होंगे, एक ट्रेड के हिसाब से अलग आप अपनी पॉलिसी बनाइए और विदेश नीति के हिसाब से एक अलग पॉलिसी बनाइए, क्योंकि आप दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो वही कहीं ना कहीं दोनों का इंटरेस्ट मरता है। देखिए अमेरिका और चाइना का ट्रेड जो है हमसे बहुत ज़्यादा है, तब भी आप नहीं कह सकते उनके रिश्ते बड़े घनिष्ठ हैं, ठीक है ना। जापान का चाइना का और भी ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा है, लेकिन उनके रिश्ते बहुत ख़राब हैं। अभी चाइना का रिश्ता जापान के साथ ख़राब है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जितने देश हैं सबके साथ ख़राब हैं, तो हमारी तरफ वो बहुत मिठास दिखाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। ये उनकी फिलॉसफी में सुनजू ये लिख कर दिया है उन्हें, ये हम उसी का पालन करते हैं। वो हम लोग कौटिल्य जी के या चाणक्य जी की राय को पालन नहीं करते हैं, वो करते हैं। तो ये हमें सोच कर करना होगा, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन उनको 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 उनसे झगड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है, डरने की बात नहीं। अब आप कह दिए हम अपने जो हमारी जो बाउंड्री हमारी सीमा है उसका पूरी सुरक्षा करें। समराइज रूप में अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ कि इस पूरी यात्रा को, जिस तरह से नेपाल के साथ एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री जाएंगे, फिर सार्क की बैठक आप हैं, फिर उसमें भी जाएंगे, तो इससे कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा ये दिखते हैं? देखिए मुझे मेरे पास आकर कभी कभी तराई के लोग, मधेशी लोग मिलते हैं, एक तो ये जा रहे हैं 2 बार, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, और मैं मुझे मौका मिले तो मैं स्वयं बधाई दूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि देखिए आपके जो मंत्री वगैरह आते हैं नेपाल, वो काठमांडू रह करके चले, 2 दिन 3 दिन रह कर चले जाते हैं, आप जनकपुर भी आइए, वीरगंज आइए, वहाँ जो हमारे मधेसी लोग उनसे भी बात कीजिए, उनकी क्या राय है, उनका क्या, वो क्या सोचते हैं। मैं श्रीलंका में भी 6 वर्ष रह चुका हूँ, 2 बार मैं वहाँ था, पोस्टिंग भी हमारी वहाँ पर, मैंने पहली बार देखा कि वो 2 वर्ग के जो लोग हैं उनमें तनाव बढ़ता जा रहा है आहिस्ता, और आप जानते हैं कि अंत में क्या हुआ। यहाँ भी मैं नोटिस करता हूँ कि आहिस्ता वो कुछ वो तनाव बढ़ रहा है, रिश्ते नहीं वहाँ के मधेसी वर्ग के लोग और पहाड़ी वर्ग के लोगों के बीच, और मैंने उन्होंने जो
एक प्रांत मांगा, ये किसने मांगा? क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई नेपाल, नेपाल के पहाड़ी लोग हैं, हमारे तरफ इंसाफ नहीं करते हैं। जबकि 2005 तक की जो असेंबली थी वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या नहीं राष्ट्रीय परिषद, 2005 में मुश्किल से 3-4 लोग थे तराई के। उसके बाद जब डेमोक्रेसी आई पूरी, पिछले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 82 थे, अब उनकी संख्या घट गई है, 52 हो गई है। लेकिन वो नेपाल के राजा के भक्त हैं, नेपाल सरकार के भक्त हैं, जो भी सरकार में हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका भी अधिकार, जो भी अधिकार उनका, वो मिले उनको। अभी फिर वो पहाड़ी लोग, पहाड़ी जो पार्टियाँ वहाँ कह रही हैं कि साहब जो पहले उत्तर से दक्षिण तक होता था चुनाव, अभी चुनाव क्षेत्र वैसा ही हो जाए। ये कहते हैं नहीं, हमें दो ही प्रांत दीजिए, लेकिन वो पूरा पश्चिम हो, हमारी अपनी बहुमत होगी। ये सब अभी मामले हैं, किसी न किसी स्टेज पर भारत सरकार को इसमें मदद करनी पड़ेगी उनको। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी बातचीत की। आपका बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व राजनयिक और पूर्व राज्यपाल और विदेश मामलों के सबसे बड़े जानकार, खासकर नेपाल को लेकर, दक्षिण एशिया को लेकर, NN झा साहब। धन्यवाद। में फिलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आज और किस किस को